हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अनिल कुमार, फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। कुछ खास और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन मैन क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं नाउ, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु के बनने में कौन सा हार्मोन जरूरी होता है। क्वेश्चन फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, शुक्राणु के बनने में कौन सा हार्मोन जरूरी होता है। और इसका राइट आंसर है LH हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पुरुष प्रजनन अंग नहीं है। निम्न में कौन सा पुरुष प्रजनन अंग नहीं है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क में एक दिन में कितने शुक्राणु बनते हैं। एक जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें एक दिन में कितने शुक्राणु बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 1 मिलियन। ये सही है, राइट आंसर 1 मिलियन ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडीज में जो मासिक धर्म की अनुपस्थिति कहलाती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसकी अनुपस्थिति क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर है मेनोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडा कितने दिन तक फेलोपियन नलिका में रहता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन को फिर से देखें, निषेचित अंडा कितने दिन तक फेलोपियन नलिका में रहता है। और इसका राइट आंसर है 3 से 4 डेज। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।